हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुविंदा चा एंड यू वाचिंग विनी व्लॉग्स। एंड आज मैं थोड़ा दूसरी बैकग्राउंड पे बैठी हूँ। आई मीन मेरा ये पीछे लाउंज आप देख सकते हैं और ये पीछे रोज़ वाटर पड़ा है। आई गेस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ डू रिव्यू ऑन ईलाइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये मैंने पहले से ही बोला हुआ था। मतलब मैं बीच में बहुत ज़्यादा स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी एंड यू गाइस वर सेइंग कि अब इनको रिव्यू करें। मैंने बोला कि मैं इनको अच्छे से टेस्ट करके अपने आप पे यूज़ करके फिर आपको अच्छा सा रिव्यू दूंगी। सो नाउ आई एम फाइनली रिव्यूइंग दोज प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बट ये वीडियो खास करके ईलाइन स्किन केयर के लिए। सो गाइस, दिस मॉइस्चराइज़र हैज़ SPF 40 एंड आई डोंट थिंक दैट दिस हैज़ SPF 40, एंड ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी वाली मतलब प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम सनलाइट। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, मतलब एक मॉइस्चराइज़र आपको अच्छी सी प्रोटेक्शन दे सकता है फ्रॉम सनलाइट। एंड मुझे लगता है ये बस आपको थोड़ा सा ग्लो देता है, लाइक थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी वेरी, मतलब अगर आपको मेकअप के अंदर से ग्लो चाहिए, मतलब जो मेकअप लगाते हैं तो ग्लोई ड्यूई मेकअप होता है, दिस इज़ गुड फॉर दैट। जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह बनाती थी तो पहले मैं ये लगाती थी, उसके बाद मैं मेकअप करती थी तो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता था और मतलब बिल्कुल ही ग्लोई ड्यूई एंड बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मेकअप। हाँ, ये आपके फेस को थोड़ा सा ब्राइटन अप भी करता है। अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली डेली लगाएंगे देन डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू ब्राइटन अप योर फेस। अभी हवा लग रही है तो मुझे लग रहा है मेरी फ़ोन गिरने वाली है, क्योंकि खिड़की है तो उसके सामने से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है। आज बहुत ज़्यादा अच्छी हवा लग रही है, अल्लाह मेरे लिए हवा लगा रहा है क्योंकि मैं फजर से वीडियो बना रही हूँ। फजर से, कैन यू थिंक, लाइक मैं सोई नहीं हूँ, मुझे मतलब कल रात से जाग रही हूँ समझो। लाइक कैन यू जस्ट इमेजिन दैट कि मैं कल रात से जाग रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं कहाँ से ऐसा दिमाग। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है भी बहुत अच्छी प्राइस में। आई थिंक ये 2500 रुपीज़ का है। I think that this is 1500 or 2000, I don't remember, but आप इनकी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं कि ये कितने का है। मुझे लगता है कि ये शायद 2000 का है। I think that this is in 2000 rupees and I think 2000 में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अमीर लोग होंगे उनके लिए ये एक्सपेंसिव नहीं होता होगा, बट ये मेरे लिए एक्सपेंसिव है। एज़ अ मॉइस्चराइज़र आई थिंक दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे मॉइस्चराइज़र मिल रहे हैं, जैसे निविया का है, जैसे वेज़लिन का है, बहुत ज़्यादा अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं। निविया सॉफ्ट क्रीम आती है छोटी सी, वो भी ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। सो ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी थोड़ी बड़ी, मतलब इसकी प्राइस भी वैसी ही होगी जैसा ये है। ये ख़त्म हो चुका है, मैंने बोला, मैंने सोचा मैं रिव्यू करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कंसिस्टेंसी मुझसे ये प्रोनाउंस नहीं होता, कंसिस्टेंसी, सो जो इसकी कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी, अच्छा आई डोंट नो हाउ टू से दैट। इसका जो मॉइस्चराइज़र का टेक्सचर कंसिस्टेंसी है, इसका जो है वो बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, आपकी स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एक बहुत अच्छा ग्लो देता है आपको। बाद इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिए थे, जैसे मैंने जेन फार्म के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट वो मैं अलग से रिव्यू करूँगी। और उनकी सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली देयर सनस्क्रीन वॉज अमेजिंग। बाकी उनका जो दूसरा मैंडेलिक एसिड वाला वो था, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्रीम थी, वो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं किया उसने और मेरी स्किन और भी ख़राब हो गई, मैंने वो यूज़ करना बंद कर दिया। उनकी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सनस्क्रीन मतलब बिल्कुल ही, बट मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी सन से या नहीं, बट इट वॉज अमेजिंग। तो मैं क्या बोलूँ इस मॉइस्चराइज़र के बारे में, बस बहुत अच्छा है। और इसकी एक्सपायरी डेट जो है 2023 है। मैंने इसको डेली बेसिस पे यूज़ किया तो ये जल्दी ख़त्म हो गया, और ये ड्राई स्किन के लिए लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर सेंसिटिव ड्राई स्किन, ठीक है। ईलाइन इल्यूमिनेटिंग
डेली नरिशमेंट मॉइस्चराइजर इज़ अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें पोमोग्रेनेट है, इसमें पपाया है, इसमें क्यूकम्बर है। ये तीनों चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं। आई थिंक ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। फ़ोन मेरी गिरने वाली है मुझे लग रहा है। इट हैज़ कॉजिक एसिड दैट इंश्योर्स दैट योर स्किन अचीव्स द परफेक्ट ग्लो एंड रिमेन्स एब्डेंटली मॉइस्चराइज थ्रू आउट द डे। द फॉर्मूला ऑल्सो एक्ट एज SPF 40 सनब्लॉक दैट प्रोटेक्ट्स योर डेलिकेट स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। एंड आई थिंक ये इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, बट ये मैं 100% पक्का हूँ कि इसने मेरी स्किन को ब्राइटन अप किया था एंड इट रियली रियली मेड माई स्किन हेल्दी। मतलब जब मैंने इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ किया, मैंने एक महीने के बाद रिजल्ट्स देखे कि मेरा फेस जो है थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। एंड माई मॉम वाज सेइंग कि क्या लगा रही हो आजकल, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, अपनी बहन को भी दिया करो। तो मैंने बोला मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं किसी को नहीं दूँगी। वैसे वो भी शायद कभी कभी लगा लेती थी। मैं उससे लड़ती थी कि तुम मेरा मॉइस्चराइज़र क्यों लगाती हो, वाई डू यू यूज़ माई मॉइस्चराइज़र, मेरी चीज़ों को कोई हाथ ना लगाए। मॉइस्चराइज़र मेरा मॉइस्चराइज़र, मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मेरी जुतियाँ, सब कुछ मेरी बहनें पहनती हैं। मतलब एवरीथिंग, खास करके मेरा मेकअप और मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वो सारे मेरी बहनें यूज़ करती हैं। खुद लेती नहीं हैं बट मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। तो मैंने उनको बोला मेरे प्रोडक्ट्स ना यूज़ किया करें, फिर भी वो यूज़ करती हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ। सो या दैट्स इट। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी। और मैं आपको अभी इसके मैं अभी इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। इसके बेनिफिट्स हैं, इट प्रोवाइड्स एक मिनट में देखती हूँ। सो इट प्रोवाइड्स यू अबंडेंट मॉइस्चर। सो दिस गिव्स यू अबंडेंट मॉइस्चर। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट अगेन, वंस अगेन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। मुझे पता है मैं गलत बोल रही हूँ। अबंडेंट। So and protects skin from harmful UV rays and reduces blemishes and dark circles. Let me tell you, it does not reduces your dark circles. ठीक है, ये मैंने नोट किया है। मैंने इस पर मैंने देखा था कि इस पर लिखा हुआ था कि आपके डार्क सर्कल्स को कम करती है, बट नो डार्क सर्कल्स को आज तक किसी ने भी कम नहीं किया। एक मैंने फैमिलिश का सीरम मंगवाया था, उसने भी मेरे डार्क सर्कल्स को कम नहीं किया। बस थोड़ी सी पफीनेस वगैरह कम हुई थी और मेरी आंखों को थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता। सर्कल्स हैं ये जो अंडर आइज़ में डार्क सर्कल्स हैं, इनको कभी भी किसी भी क्रीम ने कम नहीं करना और ना ही करेगी कोई क्रीम। सो गाइज़ या आई होप कि यू गाइज़ इन्जॉय दिस वीडियो। एंड आई नो दिस वॉज अ वेरी वेरी फजूल वीडियो, बट आई थॉट कि मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। सो मैं इसको रेट करूँगी 9, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें थोड़े से मतलब कॉन्स भी हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके डार्क सर्कल्स को कम करते हैं, नहीं ये आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल भी कम नहीं करती। और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी स्किन को ये ब्लेमिशेस को कम करती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नो, थोड़ा सा इवन टोन करती है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आपकी स्किन थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है इसको लगाने के बाद। एंड या दैट्स इट। और हल्का सा ब्राइटन अप करती है, मतलब जो डल स्किन होती है, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ टू टोन स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप भी नहीं करती। मतलब अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। वैसे ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज। सो विल आई बाय दिस अगेन? सो क्या मैं इसको फिर से लूँगी? येस फॉर श्योर मैं इसको फिर से बाय करूँगी। 100% मैं इसको फिर से बाय करूँगी, क्योंकि आई रियली रियली लाइक दिस मॉइस्चराइज़र एंड दिस हैज़ बिन माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र इन विंटर्स। आई थिंक ये मैंने विंटर्स के एंड में लिया था, एंड जब सीज़न थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, कभी ठंड थी कभी गर्मी थी, तो तब मैंने ये लिया था। और आई थिंक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र था, मेरी तब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। And this really helped me. और हाँ, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं करता, जैसे दूसरे मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्रेकआउट कर देते हैं कभी कभी। मतलब मेरे ये जो निविया वाले, भले लाइट हों जैसे भी हों, मतलब थोड़े पिंपल आ जाते हैं इधर उधर, तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ब्रेकआउट नहीं करता। मुझे इसको लगाने के बाद ना ही कोई एलर्जी हुई, ना ही कोई रैशेस हुए, ना ही मुझे कोई इरिटेशन हुई स्किन पे। जैसे मैं दूसरे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ कभी कभी, तो मुझे इरिटेशन हो जाती है ना, तो यहाँ तो मुझे थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है यहाँ से। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जब से मैंने वो ट्रेटिनोइन लगाई थी तब से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो हाँ, तो मैं वो
दूसरे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो थोड़ी सी इरीटेशन होती है, बट इसमें से मुझे बिल्कुल भी इरीटेशन नहीं हुई। और इसमें परफ्यूम बिल्कुल थोड़ी सी है, मतलब वो जो फ्रूट्स वाली स्मेल होती है उसकी स्मेल थोड़ी सी हल्की सी स्मेल है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। इसकी खुशबू अगर मैं आपको बोलूँ तो इसकी खुशबू बिल्कुल भी इतनी तेज़ नहीं है। अगर आपको खुशबू से एलर्जी है दैन इसमें बिल्कुल भी इतनी तेज़ खुशबू नहीं है। अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई एलर्जी नहीं होगी। दिस इज़ सच अ नाइस मॉइस्चराइज़र और बिल्कुल हल्की सी अच्छी वाली खुशबू है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी एंड या 100% मैं इसको फिर से बाय करूँगी और मैं बाय करती रहूँगी क्योंकि ये लेट मी टेल यू दिस इज़ द मोस्ट लाइक दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र। ज़िंदगी में कभी भी मैंने इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं बाय किया एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। बॉटल ख़त्म कर दी है, अब मैं इसके बाद उसी भी लूँगी। अम्मी मैं बाय करूँगी, ओके? अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मैंने देखी हैं जो आपको प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं और उसमें जो होती है क्वांटिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे जल्दी ख़त्म हो जाती है। बीच में मैंने एक कबल्स का विटामिन सी सीरम मंगवाया था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी का। और मैं अभी खड़ी हुई हूँ इतनी देर से और आई हैव टू गो नाउ। सो या गाइस, इसमें विटामिन सी वगैरह कुछ भी नहीं। मैंने तो समझा था कि इसमें विटामिन सी है बट इट डज नॉट हैव विटामिन सी। सो या गाइस, आई होप कि यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे बारे में और जानना है देन आई एम सेवंदा शाह, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फ्रॉम सैयद फैमिली। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड अगर आपको मैं अच्छी लगी हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। आई मीन मेरी वीडियो को थम्स अप करें, बहुत बड़ा वाला थम्स अप। एंड कमेंट डाउन लो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको वो मेरी वीडियो अच्छी लगी। एंड अगर आपको मुझे और देखना है, मेरी वीडियोस और देखनी है, या डू सब्सक्राइब हियर एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकन एंड देन यू विल नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम मी। एंड या बाय, एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन टिकटॉक। सोचा मैंने अगली वीडियो में ये बोला था। सो आई होप कि आप लोगों ने मेरा क्यूट फेस देख के स्माइल ज़रूर किया होगा। सो या बाय, टेक केयर, सी या।